दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं। अब इसमें क्या क्या तो फायदा होगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन बना सकता है, भारत सरकार क्यों चाहती है ई श्रम कार्ड में बनवाना हर किसी का, तो इसकी पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण रहेगा, पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, काफी सिंपल लैंग्वेज में बनाऊंगा, हर एक को पूरी तरह से समझ आएगा। इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखो, ई श्रम कार्ड की लॉन्चिंग कब की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब भारतीय सरकार ने इसकी लॉन्चिंग की थी 26 अगस्त 2021 को। जी हाँ दोस्तों, और ई श्रम कार्ड की जब से लॉन्चिंग हुई है तो ई पोर्टल पे जाकर अगर आप देखोगे तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा ई श्रम कार्ड बन चुके हैं। अब ये ई श्रम कार्ड कौन लोग बना सकते, कौन लोग नहीं बना सकते, किन लोगों का इसमें फ़ायदा है, किन लोगों का इसमें नुकसान हो सकता है, सबसे पहले मैं आपको फायदे वाली बात बता देता हूँ। कौन लोग बना सकते हैं, सबसे पहली स्टेप यह है कि इसका कौन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, वो लोग जो किसी संस्था से जुड़े नहीं है, किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए, किसी डिपार्टमेंट से नहीं जुड़े हुए, जैसे दहाड़ी मजदूर होते हैं, कोई भी फार्मर खेती करने वालों के मजदूर लगते हैं, नाइक की दुकान वाला, मच्छी पालने वाला, छोटी शॉप करने वाला, ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, लकड़ी के कार्य करने वाले, पेंटर, ये सब लोग होते हैं ना जो किसी की मतलब एक संस्था से जुड़े हुए नहीं होते हैं। मतलब जैसे आपको एक बड़ी कंपनी होती है, सिंपल एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि मजदूरी दिन दहाड़ी करने वाले टाइप से लोग होते हैं जो खुद किसी संस्था के अंडर काम नहीं करते हैं, किसी बड़ी कंपनी के अंडर काम नहीं करते हैं, और कोई भी बड़ी कंपनी काम भी करते हैं तो वहाँ पे एज ए लेबर का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ई श्रम कार्ड जरूरी हो चुका है और उन लोगों के लिए इसके लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा भी है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आगे चलते हैं। काफ़ी लोगों के डाउट रहता है कि कौन लोग इसे नहीं बनाना चाहिए और कौन लोगों का इसमें नुकसान होना चाहिए, क्योंकि लोग सबसे पहले यही चीज़ समझते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा, सब पीछे बताते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है आगे चलकर आपका टाइम खराब ना हो। देखिए, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब की, आपको जॉब करना है या किसी बड़ी कंपनी में कर रहे हो जहाँ पे पीपीएफ आपका कट रहा है, जहाँ पे पीएफ भी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, एचआर वगैरह आपको मिल रहे हैं, सब कुछ, छोटी को लिमिटेड कंपनी से जुड़े हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी हो, उन लोगों के लिए ये श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है और ऐसे लोगों को भी नहीं बनाना चाहिए। तो अब इन लोगों का नुकसान हो सकता है बनाने के लिए, जैसे आप बीटेक कर रखे हो, इंजीनियरिंग कर रखे हो, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखे हो, अच्छी जगह आप जॉब करना चाहते हो और आप एक मजदूर कार्ड बना लोगे तो आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इस वजह से आप लोग इसको ना ही बनाएं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको इसकी काफ़ी आवश्यकता है, काफ़ी ज़रूरी है। देखो, मान लीजिए आप एक नाई की दुकान कर रहे हो, ठीक है, आपका खुद का है, आप खुद लगा रहे हो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप फोटोकॉपी दुकान खोल के बैठे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, कोई शॉप खोल के बैठे हुए हो, जैसे आप किसी की खेती के लिए 5 एकड़ से कम खेती आपके, वो भी इसको कर सकते हैं इजीली वे में, श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, श्रम कार्ड बनवा सकते हैं वो लोग भी बना सकते हैं जो मछली का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं इसी चीज़ के लिए, पेंटिंग का, कारपेंटिंग का करते हैं, जो कारपेंटिंग लकड़ी का काम करते हैं, काम भी आपने देखा होगा, लकड़ी की जो भी काम करते हैं उन लोगों के लिए भी होता है। ई मित्र की दुकानें भी जो खोल के रखते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन लोग भी ये बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड भारत सरकार क्यों बनवाना चाह रही है। देखिए दोस्तों, ई श्रम कार्ड में आपकी पूरी डिटेल, बायोडाटा होगा, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका क्या काम है, क्या काम नहीं है, इसमें पूरी बायोडाटा का एक रहेगी, और एक ही इसमें जैसे आधार कार्ड की तरह यूएनए नंबर एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जहाँ भी आप जाओगे इंडिया में, कहीं पर क्या होता है ना कि आप किसी अदर स्टेट में जाते हो काम करने के लिए, तो वहाँ के लोग ये सोचते कि अरे तो बाहरी लोग है, बिहार का लोग है, यूपी का लोग है, राजस्थान का लोग है, हर जगह से कहीं ना कहीं से उनको ऐसा सुनना पड़ता है, उसके बारे में बायोडाटा पता है नहीं कि ये इसका कितना काम किया, क्या काम नहीं किया इसके बारे में। ई श्रम कार्ड में आपका जो भी प्रॉपरली डिटेल होगी वो चीज़ आपको भरना पड़ेगा पूरी डिटेल में, जैसे कि आप एक कारीगरी का काम करते हैं, मजदूरी में कारीगरी होती है ना, चुनाई का काम करते हैं, तो उसमें आप पूरी डिटेल में लिखोगे कि जो आप भरने जाओगे वहाँ पे कि आपकी कारीगरी का कितना अनुभव है, मतलब एक्सपीरियंस कितना है, उसका आगे चलकर आपको फ़ायदा हो जाएगा। सरकार की तरफ से आपको क्या फ़ायदा होगा इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की तरफ से जैसे बार महामारी चली है कोरोना में, तो जिनके बने हुए थे उनके खातों में 5-5 हज़ार की सहयोग राशि दी गई थी,
साथ में सरकार कितना पैसा इसका काटेगी, तो सालाना लोग कह रहे हैं कि इसमें सालाना काफ़ी पैसा कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 रुपये आपके कटेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, काफ़ी प्रधानमंत्री की योजनाएं आती है जिसका आपको डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा, उनके लिए आपके मात्र 12 रुपये काटे जाएंगे सालाना आपके अकाउंट से। ओपन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और एक मोबाइल नंबर की जुड़ी पड़ती है, और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होता है। उसके बाद में आप जो भी बायोडाटा पढ़ाते हो, आपकी जो एजुकेशन है, जैसे आपकी 35-40 उम्र हो गई, आप अच्छी भी नौकरी कर रखे हो या अच्छी इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी कर रखे हो, तो फिर आप ये ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो, क्योंकि आगे आपको ये उम्मीद खत्म हो चुकी कि मुझे कहीं ना कहीं कंपनी वगैरह कहीं नहीं मिल रही है, तो फिर आप बना लीजिए ये कार्ड, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आपकी 21-22 साल की उम्र है, 25 साल तक से है, तो आप मत बनाइए। 16 साल से नीचे के लोग इसे नहीं बना सकता है, 16 साल से 21 साल के बाद आप इसे बना सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए जो लेबर का काम करते हैं, जो किसी संस्थाओं से नहीं। अब तक भारत में ऐसे वो लोग हैं सर्वे के अनुसार पाए गए हैं जो 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच में ऐसे मजदूर लोग हैं भारत में जिन्हें कोई संस्था से नहीं जुड़े, किसी संगठन से वह जुड़े हुए नहीं हैं। वो दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं, जैसे सब्जी का ठेला लगाते हैं, खुद दिन दहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, चुनाई का काम करने जाते हैं, खुद नाई की दुकान, मछली की दुकान, किसी की खेती करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए, कोई बर्तन साफ करने के लिए लेडीज लगी रहती है उनके लिए, खाना बनाने वालों के लिए उनके लिए, रोड पे जो भी काम करते हैं, ठेले लगाते हैं उनके लिए, तो इनके लिए काफ़ी फायदा है। क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन आई थी महामारी के लिए, जो सरकार की तरफ से इनको फायदा दिया जाएगा, बजट में भी इनके लिए 404 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें इनके लिए बीमा का योजना है। मान लीजिए ई श्रम कार्ड बनने के बाद किसी की डेट हो जाती है, तो जो नॉमिनेट रहता है उसमें, जो नॉमिनेट रहेगा उसको 2 लाख तक का बीमा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उसे राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो ई श्रम कार्ड है इसके काफ़ी बेनिफिट है, और उन लोगों के लिए है जिन लोगों की एक पहचान मिलेगी अलग से, जिन लोगों को एक ऐसा होता है ना कि यार तू बिहारी है, तू यूपी से है, तू राजस्थानी से है, कहीं लोगों से कहीं हीट करते हैं ना, वो हीट फैलाते, वो हीट नहीं फैलेगी, एक उसकी प्रॉपरली पहचान होगी। जी हाँ, उसमें पूरी बायोडाटा लिखी जाएगी कि इसको कितने साल का अनुभव हुआ है। जैसे आपको आज 10 साल का अनुभव हुआ, आज ई श्रम कार्ड बन रहा है, 10 साल बाद आपको आएगा 20 साल का अनुभव हुआ है, तो आपको पेमेंट अच्छी कंपनी, अच्छी जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ई श्रम के उन लोगों के लिए हैं जो दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है, अच्छा काम भी आता है, लेकिन प्रॉपरली उनको काम नहीं मिल पा रहा। कहीं पर क्या होता है, गवर्नमेंट के ऐसे काम आते हैं बड़े बड़े, जिसे कहीं बड़े काम आते हैं सरकार के, तो उनकी जगह भी उन लोगों को सर्च किया जाएगा कि इस कैटेगरी में कितने लोग हैं। इस वजह से इस श्रम कार्ड में अपने कैटेगरी जरूर चूज कीजिए कि आपको किस अनुभव है, किस फील्ड का आपको अनुभव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको किस फील्ड का अनुभव है, इस वजह इस श्रम कार्ड में पूरी डिटेल आप उसमें फुलफिल कर सकते हो। अब ये फुलफिल कहाँ से कर सकते हो, आप घर से बैठ के, अगर आपके कोई है अच्छा कंप्यूटर चलाने वाला तो उससे करा सकते हो, खुद भी करा सकते हो, या फिर आप ई मित्र की कहीं भी दुकान पर जाके वहाँ से करा सकते हो। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, मतलब आधार कार्ड आपके साथ, मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट डिटेल पूरी होनी चाहिए प्रॉपरली। आपकी एजुकेशन क्या है वो कोई नहीं छुपाना चाहिए, पूरी जो भी एजुकेशन है उसको पूरा प्रॉपरली लिखिए, क्योंकि बाद में जाके आपको दिक्कत क्रिएट भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो ई श्रम कार्ड बनाना बहुत ईजी है और बहुत फायदेमंद भी है, कि हो सकता है आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही हो तो बाद में ऐसी जरूरत पड़ जाती है कई बार गवर्नमेंट को भी कि इस कैटेगरी के लोग हमें ज़्यादा चाहिए, इस कैटेगरी के मजदूर ज़्यादा चाहिए हमको, तो उन लोगों को काफ़ी सर्च किया जाएगा, वो ई श्रम कार्ड से ही सर्च किया जाएगा। इस वजह से अपनी कैटेगरी प्रॉपरली तरीके से बनना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि नुकसान किन लोगों का होगा इसमें। नुकसान उन लोगों का जो एक विद्यार्थी है, अच्छी एजुकेशन करी हुए है, अच्छी कंपनी में उनको जॉब मिल सकती है, लेकिन आगे चल के वो एक मजदूर के तौर पे ही रह जाओगे। अगर इस श्रम कार्ड बनवा लेते हो तो वो एक मजदूर के तौर पे ही रह जाएंगे। अब कहीं लोगों का सवाल ये भी आता रहता है कि सर हमने इस जो श्रम कार्ड वाला है ये बनवा लिया है, तो हम इसे कैसे खारिज कराएं, कैसे डिलीट कराएं, इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा मैं। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा, जो अच्छी एजुकेशन है, अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी या कोई बड़ी कंपनी मिल सकते हैं, या अच्छे खानदानी से हो, तो किसी का हक मत मारिए। ये मजदूरों के लिए है, ये मजदूरों की पहचान है, एक उनका एक्सपीरियंस, उनका हार्डवर्क और जो उन्होंने कमाया है अब तक, वो एक उनको अलग पहचान मिलेगी यहाँ पे। सोचिए 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनका
हक मत मारिए आप भी, आप अपनी मेहनत कीजिए, अभी आपकी उम्र मेहनत की है तो आप मेहनत कीजिए, आप लोगों के लिए फ़ायदे की नहीं है। ये लेबर लोगों के लिए ज़रूरी है, अपने देश के लिए, जो एक नीम की हड्डी होती है, जो दिन दहाड़ी कमाने वाले होते हैं, जो चाहे दूध की ढेरी लगा रखे, कोई भी लगा रखा, चाहे छोटी मोटी खेती कर रहे हैं, उनके लिए है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपको जो डाउट रहते हैं, इसका अलग पार्ट में टोटल इसके 5 पार्ट बनाऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इस वजह से आप इस पर अगर आपके जितने भी सवाल हैं आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।